उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड के अधिकारियों को दो टूक यानी साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का करे पालन। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से ट्रांसफर और नियुक्तियां हुई हैं, उस पर हरीश रावत ने धामी सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसी क्या वजह थी कि आचार संहिता लगने के बाद ताबड़तोड़ ट्रांसफर और नियुक्तियां की गई। हरीश रावत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। हरीश रावत ने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्य में उनकी सरकार थी तो ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद ताबड़तोड़ ट्रांसफर लिस्ट और नियुक्तियों के ऑर्डर क्यों हुए। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से एक के बाद एक आदेश निकल रहे हैं, इससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन एक आदेश जो है उसको लेकर के कई लोग बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में हमने ये निर्णय लिया था, आदेश हुआ था, कैबिनेट का फैसला था, जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके एक परिजन को नौकरी है और ये हमने ये आदेश जो है एक हमारे रावत शहीद हुए थे जिनके पिता यहाँ सेक्रेटरी में काम करते थे, तो वहाँ उनकी स्थिति देखने के बाद ये आदेश जारी किया गया था। लेकिन 5 साल ये सरकार ने उसका पालन नहीं किया। हम उस आदेश को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और शहीद परिवारों को, बल्कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसमें पैरामिलिट्री आजकल उनको भी सब वो ड्यूटी करनी पड़ रही है और पुलिस कर्मियों को भी करनी पड़ रही है, हम उनको भी जो है इसका लाभ दें। अब रूल्स सामान्य रूल से हट कर सोशल मीडिया हरीश रावत ने कुछ विभागों को भी निशाने पर लिया और उनसे जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। इस दौरान हरीश रावत ने सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, खनन विभाग से जुड़े अधिकारियों को इशारों में गलत निर्णय करने से बचने के लिए कहा कि इस दौरान सचिवालय में जिस तरीके से धन का नग्न खेल हुआ है उससे भ्रष्टाचार की शरार से न केवल सचिवालय बल्कि उसका अलग अगल बगल का सारा इलाका जो है महक रहा है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, नग्न तरीके से धन की वसूली हुई है, हम इस सब की निंदा करते हैं। स्पष्ट रहा है कि जो ग्रेड पे उनको दी गई है, ये पहली बार हो रहा है कि आप उसमें घटोतरी कर रहे हैं, आप उसको संशोधित करके आप अपवर्ड डिवीजन तो हमेशा करती रही है सरकार, लेकिन डाउनवर्ड डिवीजन करके और जिस तरीके से एक अनुशासित कोर्स को ह्यूमिलेट किया गया है, हम ये समझते हैं कि जो राज्य सरकार का कदम है वो पुलिसकर्मी एक अनुशासित कोर्स को के मनोबल को गिराने का प्रयास है और एक ह्यूमिलेशन है जिससे पुलिसकर्मी विचलित हैं। हम पुलिसकर्मियों से कहना चाहते हैं कि वह संयम रखें, धैर्य रखें और कांग्रेस उनको न्याय देगी। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम उनको न्याय देंगे। देखिए अभी 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 जो फर्स्ट स्टेज है इलेक्शन आयोग है, जो फर्स्ट स्टेज है इलेक्शन कैंडिडेट की सिलेक्शन की, केवल वो पूरी हुई है, केवल जिलों से संस्तुतियां गई हैं, जिलों और ब्लॉकों से संस्तुतियां गई हैं और पीसी का रेजुलेशन गया है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की प्रोसेस के बाद पीसी इस पर निर्णय करेगी, पीसी निर्णय करेगी, तो अभी सीसी कब निर्णय करेगी यह तय नहीं है।